जीनियस की श्रेणी में आने वाला एक शख्स सब कुछ छोड़कर एक रोज वीराने में जा बसता है और फिर शुरू होती है चिट्ठियों वाले बमों की बारिश। चूंकि बम एक जीनियस ने बनाए थे, लिहाजा दुनिया की सबसे ताकतवर पुलिस के लिए भी उसका सुराग मिलना मुश्किल हो गया। फिर एक रोज एक लेटर आया जिसमें लिखा था, मेरा मैनिफेस्टो इस खत के साथ नत्थी है, अगर छाप दोगे तो बमों का हमला रुक जाएगा। 35,000 शब्दों के इस मैनिफेस्टो का लब्बुलवाब यू था, टेक्नोलॉजी इस दुनिया को बर्बाद कर रही है, इस चक्कर में लोग अपनी आज़ादी खोने के लिए तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया के दौर से एक दशक पहले तकनीक के खतरे से आगाह करने वाले शख्स का नाम था टेड कज़िंस्की उर्फ यूना बॉम्बर, एक आतंकवादी जिसे पकड़ने में FBI को 20 साल से ज़्यादा का समय लग गया। कज़िंस्की यूना बॉम्बर कैसे बना और कैसे पकड़ा गया, जानेंगे आज के किस्से में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। टेड कज़िंस्की की पैदाइश साल 1942 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी। जबरदस्त प्रतिभा का धनी टेड एक सर्टिफाइड जीनियस था। IQ टेस्ट में उसका स्कोर 167 था। इस बात के क्या मायने थे, एक उदाहरण से आप समझिए कि स्कोर का मतलब क्या हुआ। बिग बैंग थ्योरी नाम का एक सिटकॉम है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो। इसमें शेल्डन कूपर नाम का एक किरदार है, एकदम जीनियस। एक रोज शेल्डन की बहन उसकी तारीफ करते हुए कहती है, मैं अपने दोस्तों को गर्व से बताती हूँ, मेरा भाई रॉकेट साइंटिस्ट है। गुस्से में शेल्डन चिल्लाता है, तुम उन्हें ये क्यों नहीं बता देती कि मैं टोल जमा करने वाला एक कर्मचारी हूँ। शेल्डन के गुस्से का कारण ये था कि वो एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट था और रॉकेट साइंटिस्ट से तुलना को अपनी तौहीन मानता था। आम व्यक्ति के लिए मेधा के ये दोनों स्तर बराबर हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि सूचकांक जिसे अंग्रेजी में IQ स्कोर कहते हैं, ऐसा नहीं मानता। 130 के IQ के आसपास आप अत्यंत मेधावी हो सकते हैं, लेकिन 160 तक पहुंचते ही आप आइंस्टीन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। यानी बुद्धि के मामले में कज़िंस्की आइंस्टीन के स्तर पर था, शायद उससे भी आगे। मात्र 16 साल की उम्र में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। यहाँ से बैचलर्स करने के बाद उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ गणित में मास्टर्स और PhD हासिल करता है वो। इस दौरान उसे हर परीक्षा में अव्वल स्थान मिलता था, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय वो दुखी था, ये सोचकर कि मिशिगन में परीक्षाएं उसकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बहुत आसान थी। उसको लग रहा था कि मेरा टेस्ट कोई ले नहीं रहा है ढंग से। इसी दौरान उसने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसे उसके एडवाइजर के अनुसार पूरे अमेरिका में महज 10 या 12 लोग समझ सकते थे। PhD पूरी करने के बाद कज़िंस्की कैलिफोर्निया गया। यहाँ उसे बर्कले यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। तब उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसका करियर एकदम ठीक दिशा में जा रहा था कि एक रोज अचानक उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उसने मॉन्टाना राज्य के लिंकन शहर के एक सुदूर वीराने में झोपड़ी बनाई और उसी जगह रहने लगा। ये जगह इतनी रिमोट थी, इतनी दूरस्थ थी कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था तब थी नहीं। ऐसा क्यों किया उसने, ये उसके परिवार के समझ में उस वक्त नहीं आया। कज़िंस्की हमेशा शांत स्वभाव का था और लोगों से कटाकटा रहता था, लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह थी, ये उसने किसी को बताया नहीं था। यहाँ से एक कहानी एक और मोड़ लेती है और उसके लिए हमें चलना होगा 25 मई 1978 की तारीख पर। बकले क्रेस्ट इलिनॉय राज्य की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मटेरियल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। एक रोज पोस्टल विभाग का एक शख्स उनके पास एक पैकेज लेकर आया, एक डिलीवरी आई उनके यहाँ। पैकेज किसी ने भेजा नहीं था, बल्कि पोस्टल अधिकारी के अनुसार वो यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में यूं ही रखा पाया गया था और उस पर रिटर्न एड्रेस की जगह क्रिस्ट का पता लिखा हुआ था। क्रिस्ट को शक हुआ कि उन्होंने ऐसा कोई पैकेज भेजा ही नहीं था, तो रिटर्न एड्रेस में कैसे नाम आएगा, इसलिए उन्होंने सीधे पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस के एक ऑफिसर ने जैसे ही पैकेज खोला, उसमें एक धमाका हो गया। किस्मत से ऑफिसर को ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि पैकेज के अंदर रखा बम ज्यादा उन्नत तकनीक का नहीं था। इसके ठीक एक साल बाद यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पैकेज में एक और बम भेजा गया। इस बार विस्फोट में एक छात्र को चोट आई। इसके अगले साल एक ऐसी घटना हुई जिसने FBI को इस केस में दखल देने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी। बीच फ्लाइट में अचानक बैगेज एरिया से धुआं निकलने लगा। आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो पता चला कि प्लेन में बम रखा था जो गड़बड़ी के चलते फूटा नहीं। अगर फूट जाता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती उस रोज। इसके कुछ रोज बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के मालिक पर्सी वुड को एक पैकेज में बम मिला जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई।
एफबीआई ने इन सारे केसेस को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाई और मामले के छानबीन शुरू कर दी। शुरुआत में उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। बमों को बनाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था जो कूड़े में मिल जाती थी। कई बार बमों के साथ साथ कुछ नोट मिलते, लेकिन उनकी छानबीन से यही पता चलता था कि घटनाओं को अंजाम देने वाला शख्स उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साल 1985 तक और भी कई बम भेजे गए। अधिकतर मामलों में लोगों को चोट आई थी, लेकिन एक मामले में एक कंप्यूटर स्टोर वाला मारा भी गया। 1987 में एफबीआई के हाथ पहला सुराग लगा। बम रखते हुए एक शख्स की फोटो सीसीटीवी में कैद हुई। इसकी मदद से एफबीआई ने एक स्केच बनवाकर हर तरफ फैलाया कि चूंकि उस रोज हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था, उसकी पहचान होना मुश्किल थी। 1987 से 1993 तक बमों का सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर उनकी शुरुआत हुई और इस बार बम हमले के बाद अखबारों को कुछ खत भी भेजे गए। 1994 में एक वकील को पैकेज में बम मिला और उसकी मौत हो गई। हमलावर ने खत लिखकर कहा कि वो वकील एक्सॉन नाम की तेल कंपनी के लिए काम करता था, इसलिए उस पर हमला हुआ। 1995 में लकड़ी उद्योग के एक मालिक को बम मिला, उसकी भी मौत हुई हादसे में। बम हमलों के सिलसिले को अब तक 17 साल हो चुके थे, लेकिन एफबीआई को अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इसके पीछे शख्स कौन है। एफबीआई ने इस केस को नाम दिया था यूना बॉम्ब, यानी UNABOM, यानी यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइन बॉम्बर। मीडिया ने इसी को यूना बॉम्बर बनाकर हमलावर को इसी नाम से आने वाले समय में पुकारना शुरू कर दिया। एफबीआई ने यूना बॉम्बर की एक प्रोफाइल भी तैयार की थी, जिसके अनुसार वो एक सिरफिरा लेकिन शातिर आदमी था। यूनिवर्सिटी से उसका कुछ ना कुछ नाता जरूर था। कुछ साल इस प्रोफाइल पर काम करने के बाद इसे त्याग दिया गया। एक नई प्रोफाइल बनी जिसके अनुसार हमलावर प्लेन मैकेनिक था। इससे भी एफबीआई को कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने पीड़ितों के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिला कि पहचान हो पाए। अंत में एफबीआई ने यूना बॉम्बर के सिर पर $10,00,000 यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया, ताकि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। इसके बावजूद बरसों तक केस यूं ही बना रहा। फिर 1995 में एक रोज न्यूयॉर्क टाइम्स आदि अखबारों के पास, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा बहुत सारे और अखबारों के पास, यूना बॉम्बर का एक खत आया। खत के साथ एक मैनिफेस्टो था और थी एक धमकी कि यदि इसे छापा नहीं गया तो हमले जारी रहेंगे। क्या था मैनिफेस्टो में? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर, ये शीर्षक था। और इस घोषणा पत्र में टेक्नोलॉजी के खतरे से आगाह किया गया था। लिखने वाले ने लिखा था, औद्योगिक क्रांति के चलते इंसान तकनीक पर निर्भर हो गया है और अपनी आज़ादी उसने खो दी है। लोगों को इस खतरे के प्रति जगाने के लिए धमाका जरूरी है। एफबीआई किसी आतंकी की मांगें स्वीकार नहीं करना चाहती थी, फिर भी तय हुआ कि मैनिफेस्टो को छापा जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद मैनिफेस्टो में लिखी बातों और लेखनी के तरीके से शायद कोई पहचान जाए इस बॉम्बर को। मैनिफेस्टो छापा गया और जैसी एफबीआई को उम्मीद थी, किसी ने उसे पहचान भी लिया। डेविड कजिंस्की को मैनिफेस्टो की भाषा से एहसास हुआ कि उनका भाई ऐसी ही बातें करता था, जिसका नाम था टेड कजिंस्की, यानी गणित का वही जीनियस जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में आसरा बना लिया था और अब वो लोगों को बम भेज रहा था। डेविड कजिंस्की हालांकि सीधे एफबीआई के पास नहीं गए, उन्होंने अपने तई एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया और मामले की छानबीन की। 6 महीने में पूरी जानकारी इकट्ठा कर वो एफबीआई के पास गए। एफबीआई ने अपनी तरफ से टेड के पुराने लेखन से मैनिफेस्टो का मिलान किया। अंत में जब पक्का हो गया कि टेड कजिंस्की ही यूना बॉम्बर है, तो उसे पकड़ने का प्लान तैयार हुआ। लेकिन इसी बीच एक न्यूज चैनल ने खबर प्रसारित कर दी कि यूना बॉम्बर पहचाना जा चुका है और टीवी पर उसके भाई डेविड की पहचान भी उजागर हो गई। रातों रात पुलिस कजिंस्की के जंगल वाले ठिकाने पर पहुंची और उसे पकड़ लिया। उसके पास से बम बनाने का सामान और दस्तावेज मिले, जिससे पक्का हो गया कि वही यूना बॉम्बर है। टेड कजिंस्की यूना बॉम्बर कैसे बना, इस सवाल पे आते हैं अब। टेड कजिंस्की के आतंकी बनने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि जब वो हार्वर्ड में पढ़ा रहा था, उसने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में हिस्सा लिया। इस दौरान उसे रोज गालियां दी जाती थी और बाद में चेहरे पर आने वाले हाव भावों का वीडियो से दिखाया जाता था। संभवतः इसका उसके मन पर गहरा असर पड़ा था, जिसके चलते लोगों से मिलने बात करने में उसे दिक्कत आती थी। सेक्स को लेकर भी उसके मन में विकार पैदा हो गया था। जिन महिलाओं को वो पसंद करता, उनसे बात नहीं कर पाता था और इसी के चलते उसने मन में आधुनिक समाज के प्रति घृणा पैदा कर ली। अब जानिए कि यूना बॉम्बर की कहानी का अंत क्या हुआ, कैसे हुआ। 4 मई 1998 के रोज टेड ने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उसी रोज अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। साल 2023 जब आप ये एपिसोड सुन रहे हैं, वो अभी जेल में है और जंगल में बना उसका केबिन एफबीआई के म्यूजियम में रखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। यूना बॉम्बर की कहानी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल, और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप।